सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर। आज मेरा टॉपिक है अधीनता और उदय होना। आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो भजन संहिता 29 का 11 में। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। एक वचन और हम पढ़ेंगे, पहला सैमुअल 17 उसका वचन 47। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। पहला सैमुअल 17 में जब हम देखते हैं परमेश्वर ने दाऊद को साउल के ऊपर उदय किया, दूसरा गोलियत के ऊपर उदय किया और तीसरा लोगों के सामने परमेश्वर ने उदय किया, उनके ऊपर प्रकट किया। पर यहां पर सोचने वाली बात यह है कि दाऊद एकदम से लोगों के ऊपर प्रकट नहीं हुआ है। जब हमारा देश गुलाम था, इंडिया गुलाम था, तो लोग एक कहावत कहते थे कि अंग्रेजों के राज में कभी सूर्य डूबता नहीं है, क्योंकि उनका राज्य बहुत सारे देशों में फैला हुआ था। अगर एक देश में उसका अंधेरा होता था तो दूसरे देश में क्या था, रोशनी होती थी, सूर्य उदय होता था। जबकि सच्चाई ये है कि सूर्य कभी डूबता ही नहीं है, वो तो धरती के घूमने के कारण दिन और रात होता है। तो मैं यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दाऊद कहीं डूबा हुआ नहीं था, वो दूसरी तरफ लोगों पर प्रकट होने से पहले साउल के ऊपर प्रकट होने से पहले दाऊद कहाँ था, वो परमेश्वर के सामने उदय था, परमेश्वर के सामने प्रकट था, वो अधीनता के साथ परमेश्वर के वचनों को सुन रहा था, उससे वो शिक्षा ले रहा था और समय आने पर परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। और यही परमेश्वर हम लोगों से भी चाहता है। जैसे यूहन्ना की किताब अध्याय 10 वचन 38 में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है, मैं जो करता हूँ वो मैं नहीं करता हूँ, जो पिता मुझ में है वो मुझसे करवाता है। तो जैसे यीशु मसीह हमारे लिए एक अच्छी एग्जांपल है कि वो पिता के सामने अधीनता के साथ चला, जो कुछ वो कहते वो वही करता था। और समय आने पर परमेश्वर ने पहले तो उन इजरायली लोगों के बीच में प्रकट किया, फिर क्रूस के द्वारा पूरी दुनिया के ऊपर उसको प्रकट किया, क्रूस के द्वारा सब कुछ उसके अधीनता में कर दिया। और वही चीज आज यीशु मसीह हमसे चाहता है। आज परमेश्वर ने धरती पर रहते हुए हमारे लिए एग्जाम्पल बना है। परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह के अधीनता में रहें, पवित्र आत्मा की अधीनता में रहें, चले। और परमेश्वर एक दिन समय आएगा कि हमें वो लोगों के सामने प्रकट करेगा। हमें अपने उस दिखावे के द्वारा लोगों के ऊपर प्रकट नहीं होना, झूठा बाइबल पढ़ना, झूठा वर्शिप करना, झूठा प्रचार करना। हम दिखावे का विश्वास दिखाते हैं लोगों को, ताकि लोगों को दिखा सके कि हम कितने अच्छे विश्वासी हैं, जबकि परमेश्वर हमारे इस विश्वास को कभी नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है परमेश्वर चाहता है कि हम अधीनता में भी विश्वास योग्य रहें। परमेश्वर हमारी उस विश्वास योग्यता को चाहता है जब हम अकेले रहते हैं, हमें कोई भी नहीं देख रहा होता, उस अधीनता में भी हमें विश्वास योग्य बने रहना है। तो परमेश्वर समय आने पर हमें लोगों के बीच में ऊंचा करेगा। तो जैसे एक फूल, एक गुलाब का फूल कांटों के बीच में गिरा रहता है, वो कांटों के बीच में रहता हुआ ही फलता और फूलता है। उसी तरह से मैं आप लोगों को बस बताना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर के साथ वचन में अधीनता में चलना है और बने रहना है। और जैसे लोग, संसार के लोग क्या है, लोगों के ऊपर उदय होने की कोशिश करते हैं अपने बल से, तलवारों से, भालों से। हम जितने भी युद्ध देखते हैं दुनिया में हुए हैं, लोग अपने सामर्थ्य में उदय हुए हैं, पर यीशु मसीह चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि एक विश्वासी जो है वो परमेश्वर की अधीनता में चले। क्योंकि पहला सैमुअल अध्याय 17:47 में हमने पढ़ा कि परमेश्वर भाले या तलवार से हमें जीत नहीं दिलाता, क्योंकि यहोवा का संग्राम है, ये यहोवा का युद्ध है, परमेश्वर हमें जयवंत करेगा। क्योंकि अफिसियों 6 के अनुसार हमें पता है कि हमारा जो युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं है, बल्कि दुष्ट आत्माओं से है, शैतान से है। तो परमेश्वर ही हमें समय आने पर जीत दिलाएगा। हमें बस अधीनता के साथ परमेश्वर के साथ चलना है और हमें परमेश्वर उदय करेगा। तो अधीनता में बने रहिए और परमेश्वर आपको उदय करेगा। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।